हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अब आपके साथ आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपने ड्रिंक्स दिखाऊँगी, मेटाबॉलिक बूस्टर ड्रिंक दिखाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, अपने लंच में क्या लेती हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना इवनिंग एंड नाइट दोनों ही कवर करूँगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए अपनी फुल रूटीन दिखाते हैं आफ्टरनून की और ट्राई जरूर करिएगा, वेट काफ़ी आपका इससे अच्छा जाएगा। ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ड्रिंक लेती हूँ, तो इसके लिए आपको लेना है गर्म पानी और गर्म पानी में आपको लेमन जो है वो बिना बीज के स्विस करके डाल देना है, यानी कि इसके जो बीज है लेमन के वो ना आए, और एक बड़े साइज का लेमन लेना है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि बड़े साइज़ के ही लेमन प्रेफर करिए, कभी भी छोटे मत प्रेफर करिए, और अगर छोटे प्रेफर कर रहे हैं तो थोड़ा जो है एक दो दो प्रेफर करिए, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद आपको लेना है, जिनके पास चिया सीड्स अवेलेबल है चिया सीड्स, मैं सब्जा सीड्स लेती हूँ, और ये आपको इसमें डाल के 3 to 4 मिनट आप इसे रखिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और आपको ये ड्रिंक लेना है। देन उसके बाद दिखाऊंगी कि नेक्स्ट आपको क्या करना है इस ड्रिंक के पीने के बाद। और ऐसा नहीं है कि आप इस ड्रिंक को ऑफिस में नहीं ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। पर्स में एक लेमन रखिए, अपनी बॉटल रखिए, और सब्जा सीड्स भी एक 1 टेबल स्पून का एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, वो ले जाइए, या पूरी डिब्बी ऑफिस के ड्रॉअर में रख दीजिए और वहाँ भी आप इसे पी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उस चिया सीड ड्रिंक लेने के बाद 15 से 20 मिनट बाद, यानी कि आपका लगे कि आपका लंच और ब्रेकफास्ट के मिड का टाइम है, उस समय आप कोई भी एनी फूड ले सकते हो। जैसे मेरे पास इस समय पपाया पड़ा हुआ था तो मैं वही ले लूँ, वरना मोस्टली मैं पपाया इवनिंग में लेती हूँ। तो ये आप ले सकते हो, आप सेब ले सकते हो, आप कीवी ले सकते हो, एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स आप ले सकते हो, सेब आप वो ले सकते हो, तो ये आपको लेना है। देन उसके बाद आपको बिफोर लंच क्या लेना है वो ड्रिंक भी बताऊंगी, तो फटाफट से इसको फिनिश करिए। उसके बाद जो भी ऑफिस में है, घर में है, कोई भी है, वो काम फिनिश करिए और फिर ड्रिंक बना के पीजिए। सारे काम जो है क्विक वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको प्री प्रिपेयर होके रखना है, जो भी चीज़ करना है फटाक से करिए और फटाक से उस चीज़ को खा लीजिए। लंच से पहले आपको एक ड्रिंक लेना है, गर्म पानी लेना है, उसके साथ ही आपको लेना है लेमन एक बड़े साइज का, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून तक अदरक का जूस। एंड इसके बाद 1 ग्रीन टी बैग, और इस ड्रिंक को ऐसे ही थोड़ी देर रख दीजिए, और जब अच्छे से ग्रीन टी मिक्स हो जाए और ये हल्की सी गर्म रह जाए, उसके बाद आप ये ड्रिंक पी लीजिए। और इसके पीने के 15 से 20 मिनट तक के बाद आपको लंच लेना है, तो वो लंच भी मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं रेडी करती हूँ और क्या लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप एज यू नो, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मैं हमेशा ही जो है जैतून का तेल यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और 1/2 टेबल स्पून इनफ है। तो आपको कढ़ाई में वो लेना है, और मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, और जब ऑयल अच्छे से हो जाए देन उसके बाद आपको डालना है इसमें जीरा, क्यूमिन सीड्स, एंड हींग। हमेशा हर चीज़ में ऐड करिए, बिकॉज अगर आपको फ्लैट टमी चाहिए, आपको वेट लॉस करना है, तो पेट में कब्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पेट अच्छे से आपका क्लीन होते रहना चाहिए, तो वेट लॉस का ये फर्स्ट रूल है। देन उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टू चिली। तीखा खाना आपके ऊपर है, आप कैसा खाते हो, ज़्यादा खाते हो, कम खाते हो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से इन्हें भी ट्राई कर लीजिए। देन इसके बाद
आपको ये डालनी है इसमें लौकी, मैंने पूरी एक लौकी डाली है क्योंकि यह जो है लौकी पूरा पानी छोड़ के जल जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे तीखा नमक। मैं मसाले कोई भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, आपको यूज़ करना है तो आप ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। नमक डाल दिया ताकि लौकी अच्छे से पानी छोड़ के पक जाए। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और पकने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी लौकी है बनके रेडी हो गई है। अब इसे आपको ठंडा होने देना है, बिकॉज़ कुछ ऐसे ही चीज़ इसमें मिलानी है जो काफ़ी फिलिंग होगी, काफ़ी हेल्दी होंगी, प्रोटीन वाली चीज़ें होंगी। तो इसमें ऐसे ही आपको नहीं खाना है। अभी कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ और किस तरह से अपना लंच पूरा रेडी करती हूँ वो भी मैं अभी आपको आगे शो करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसे ठंडा हो जाए आपको इसमें मिलाना है ग्रीक योग, लॉट्स ऑफ हरी धनिया। सो फ्रेंड्स, मेरा जो लंच है वो बनके रेडी है। बस आपको सर्व करना है। आप कुछ और भी थोड़ा बहुत कर्ड ऊपर से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाफ कटोरी, वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें कर्ड मिलाया हुआ है। कर्ड मतलब आप इसको थोड़ा सा लिक्विडी भी रख सकते हैं कर्ड डाल के। तो इसे खाइए, इंजॉय करिए और देखिए किस तरह से आपका अच्छा सा वेट आता है, वेट कम होता है और आपको भूख भी नहीं लगती है इसको खाने से। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।